बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर आ गए हैं। जैसा कि 12 फरवरी को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इशारों में कहा था कि बागियों का जल्द ही इलाज होगा, अब ये साफ हो गया है कि एनडीए का बिहार में ऑपरेशन इलाज शुरू हो गया है। इससे पहले कोतवाली थाने में जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और तेजस्वी के करीबी संतोष राय पर जदयू के ही दो विधायकों के अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कराई गई। ये एफआईआर जदयू हरखाली से विधायक सुधांशु शेखर ने दर्ज करवाई। इसी बीच पटना पुलिस ने मोकामा में बड़ी कार्रवाई की है। जदयू विधायक बीमा भारती फ्लोर टेस्ट के दिन सदन में देर से पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने फ्लोर टेस्ट में हिस्सा तो लिया, लेकिन सूत्रों की माने तो उनके बागी होने की कोशिश का राज पहले ही खुल गया था। इसके बाद बीमा भारती अपने पति अवधेश मंडल के साथ पूर्णिया के रुपौली वापस जा रही थी, लेकिन बीच में ही मोकामा पुलिस ने उनके पति अवधेश मंडल को, जो कि उनके साथ जा रहे थे, गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अवधेश मंडल की गाड़ी में बगैर लाइसेंस के हथियार थे। अवधेश मंडल के मुताबिक हम आगे आगे जा रहे थे और दो गाड़ी पीछे से आ रही थी, उसमें लाइसेंस हथियार एक बेटी के नाम पर था और दो मैडम के नाम पर। जैसे ही पुल पार किए तो हम लोगों को रोक लिया गया और पुलिस ने गाड़ी में बैठा लिया, कुछ भी नहीं बताया। ये तो जांच का विषय है कि लाइसेंस सही है या गलत। लाइसेंस हमारे पास है, सही है। लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट के चलते ही पकड़ा गया, आर्म्स एक्ट भी लगा दिया गया, जो कि गलत है। आगे आगे आ रहे थे हम, दो गाड़ी पीछे से थे, उसमें लाइसेंस एक बेटी का था, एक दो मैडम का। तो हम लोग जो है कि चले, जैसे पुल पार किए हम लोगों को रोका गया, तो गाड़ी पर दूसरे गाड़ी में बैठा लिया, चलिए चलिए, कुछ बताया नहीं कि क्यों नहीं। तो पुलिस कह रहे हैं कि आपके पास अवैध हथियार है, क्या कहना है? अबे जांच के विषय है, लाइसेंस में है, साथ में है, उसको जांच किया जाएगा, अवैध है तो हम दोषी हैं। अब कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से? घर कहाँ से? भिट्ठा। अच्छा, भवानीपुर। तो क्या लग रहा, फ्लोर टेस्ट में कहीं नहीं पकड़ लिया आपको? हाँ, लग रहा है उसी में पकड़ा है। राजनीतिक साजिश लगता है क्या? लेट हो रहा था इसलिए पकड़ा था, आर्म सेट लगा दिया, गलत बात है, आर्म सेट नहीं लगाना चाहिए। आपकी पत्नी भी। दूसरी ओर पति के साथ मौजूद विधायक बीमा भारती गिरफ्तारी के बाद भड़क उठी। उन्होंने कहा कि हमको जल्दी से मीटिंग में पकड़ना था, हम जाम में फंसे थे, उसमें क्या गुनाह कर दिया? कोई अवैध हथियार लेकर जा रहे थे क्या? क्यों पकड़ा गया? अब सरकार बताए। दबाव दिलवा रही है सरकार, उसकी मर्जी है, कुछ भी कर सकती है। इतना मंत्री को फोन किए, एसपी को फोन किए, डीएसपी से बात हुआ, आईजी से बात हुई, ग्रामीण एसपी से बात हुई, इस तरह से दबाव बनाना कहाँ का न्याय है? आगे चल रहे थे, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चा सब पीछे पीछे आ रहे थे, हमको जल्दी से मीटिंग में पकड़ना था, हम लोग जाम में फंसे हुए थे, हम जा रहे थे, उसमें क्या गुनाह कर दिया? कोनो की वहाँ अवैध हथियार लेके गाड़ी में जा रहे थे क्या? तो क्या शंका लगता है आपको कि क्यों पकड़ा गया? क्यों पकड़ा गया तो अब सरकार बताएंगे क्यों पकड़ा गया है। दबाव दिलवा रहा है सरकार, उसका है तो उसका मर्जी है, कुछ भी कर सकता है। किसी का बात है सुना? कितना मंत्री को हम फोन किए, सभी को फोन किए है, या एसपी को फोन किए है, डीएसपी से बात हुआ है, आईजी से बात हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं कि ग्रामीण एसपी से बात हुआ। फ्लोर टेस्ट था, उसके लिए तो नहीं हो रहा है। इस तरह से दबाव बनाना कोई कहाँ से अन्याय है? फ्लोर टेस्ट इस कारण से भी ऐसा हो रहा है। टेस्ट है तो हम साथ में है ना, पार्टी के साथ में है, सब दिन पार्टी के साथ में रहे हैं, मजबूती से रहे हैं। कहीं भी हम गए हैं तो फोन से संपर्क करने का प्रयास किया, सभी को, जितने भी हमारे नेता है, सभी को बताने का काम किया। पुलिस क्या कर रही है मैडम? पुलिस किससे पकड़ा? पुलिस कह रही है कि हमने कि कुछ कोई कारण ही नहीं बता रहे है ना, कोई कारण ही नहीं बता रहे है। आपको बता दें कि बीमा भारती 2020 चुनाव के बाद से ही पार्टी से नाराज चल रही है। उनका नीतीश कुमार सरकार की विधायक और पूर्व मंत्री लेसी सिंह के साथ 36 का आंकड़ा है। इससे पहले भी बीमा भारती लेसी सिंह के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुकी हैं। उस वक्त भी बीमा भारती आर पार की मोड में थी। माना जा रहा है कि आरजेडी ने इसी नाराजगी का फायदा उठाते हुए बीमा भारती को अपने खेमे में लाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही नीतीश को इस बात की भनक लग गई और रविवार की रात से ही बागियों का ऑपरेशन इलाज शुरू हो गया। विधायक ने क्या क्या कहिएगा मैडम? मामला ज्यादा शुभ चिंतक बन गया था, इसीलिए अपने विधायक से ही विश्वास उठ गया था जी। इसलिए इस तरह से किया गया है। और मेरा बेटा को जो है, इतना मासूम है बच्चा, उसको जेल किया गया है, मेरा पति को जेल किया, मेरा भतीजा को जेल किया, मेरा कार्यकर्ता टोटल 9 गो को कल 9 बजे रात में भेजा गया है। दिन भर का जो है कि
दो दिन से थाना में बैठा कर रखा है। इसके बाद कल 9 बजे रात में जो है कि बोला ऊपर से दबाव है, ऊपर से दबाव है कि इसको जेल भेजिए। तो मैं क्या साबित करना चाहता है आपकी सरकार, आपकी सरकार है मैडम, सरकार में, इसीलिए तो दुख की बात है। सरकार के विधायक को प्रताड़ित किया जा रहा है, बच्चा को जेल भेजा जा रहा है, इससे और जुलूम क्या हो सकता है सरकार में। नीतीश जी से अपील करेंगे कि इसमें इंटरफेयर करें इस मामले में। बिल्कुल 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 जो है बिल्कुल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि हमारा बच्चा क्या गुनाह किया था, क्या आतंकवादी था, क्या मेरा बेटा आतंकवादी था जो उसको जेल किया गया, मेरा जदयू का कार्यकर्ता आतंकवादी था जो जेल किया गया। आप पार्टी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ है, पार्टी के साथ है आज, पार्टी के साथ है मैडम आज, पार्टी का साथ तो है ही है, क्योंकि आप लेट पार्टी को विधायक पर भरोसा उठ गया है। अच्छा, और कोई बात नहीं, उठ गया है क्या जेडीयू का, सभी जो है ना पार्टी का जो नेता है उसको विधायक जदयू के विधायक पर से भरोसा उठ गया, इसलिए ना ऐसा किया गया है। नीतीश जी का भरोसा है आप पर, अब भरोसा है कि नहीं, भरोसा ने भरोसा नहीं था तब ना हमारा बेटा को जेल किया है, तो भरोसा नहीं है ना, भरोसा है, अब है भरोसा, बिल्कुल है, पार्टी में है, रहेंगे।